और अब अगली खबर आपको बिहार के छपरा से बताते हैं, जहां पर बीते दिन एक हिंसात्मक रूप मतदान के दौरान हमने देखा, लेकिन लगातार दो गुटों में भिड़ंत इस कदर हुई कि आज अगर हम बताएं तो आपको गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में एक युवक की मौत हो जाती है, जहां पर इंटरनेट सेवा को बाधित कर दिया जाता है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी दिखती है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। छपरा में चुनाव के बाद बवाल, दो गुटों में फायरिंग, एक की गई जान, भीड़ का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार के छपरा में तनाव के हालात हैं। पुलिस और उग्र भीड़ के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी जवाब में लोगों पर लाठियां बरसाई। छपरा में चुनावी प्रतिद्वंदता को लेकर दो गुट आपस में टकरा गए। इस दौरान जमकर गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई और दो लोग जख्मी हुए हैं। युवक की मौत से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की, मगर नाराज लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठियां भांजकर भीड़ को खदेड़ दिया। प्रशासन का दावा है कि अब हालात काबू में हैं और फायरिंग के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं जिनके द्वारा ये कारित किया गया है और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। फायरिंग की घटना के बाद छपरा में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन बेहद सतर्क है। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और उपद्रवियों को संदेश देने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। छपरा में आज हुई हिंसा की जड़ें चुनाव के दिन हुए संघर्ष से जुड़ी हुई है। छपरा में कल की चुनाव संपन्न हुआ है। छपरा के नगर थाना क्षेत्र भिखारी ठाकुर चौक के पास स्थित मतदान केंद्र संख्या 318 पर हंगामा हुआ था। यहां बूथ कैप्चरिंग को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए थे। दरअसल इस सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य इस बूथ पर पहुंची। इस दौरान कुछ लोगों ने रोहिणी और उनके समर्थकों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग उग्र हो गए। पहले नारेबाजी, फिर सड़क पर दो गुटों के बीच मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। बाद में रोहिणी आचार्य बड़ी मुश्किल से बूथ से निकल पाई। बताया ये जा रहा है कि कल हुए इस विवाद के बाद आज फिर दोनों गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग में चंदन नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। हमसे हम पूछे कि कहाँ जा रहे हो, काम है घर पर, तो कह रहे जा रहे हैं पढ़ने पापा। तब तक भिखारी चौक से पता चला कि गोली लग गया चंदन को, तो अब हमने दौड़ करके आया तो यहाँ वहाँ भिखारी जो देखे थे वहाँ नहीं, तो यहाँ हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में आए तो देखा यहाँ हमारा लड़का गुजर गया है। आपको बता दें कि छपरा सीट पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी और आरजेडी की रोहिणी आचार्य के बीच कड़ा मुकाबला है। हिंसा के बाद बीजेपी और आरजेडी दोनों एक दूसरे पर हार की बौखलाहट की वजह से हिंसा करवाने का आरोप लगा रहे हैं। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए, तो फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार के बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है, और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। हिंसा के बाद अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया। छपरा में फिलहाल शांति है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस मामले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस हिंसा के सभी पहलुओं की जांच भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकर आज आया हूं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब भी हुआ है यह अनर्थकारी हुआ है। यह गठबंधन देश के लिए विनाशकारी हुआ है।
याद करिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के समय अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमला होता है, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है। ये सभी लोग उस समय मौन रहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार किए हैं, और आज आतंकवाद को समाप्त किया जा चुका है। अब कोई बोलता था पटाखा भी जोर से फटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसलिए हम आए हैं आज यहां पर आपसे अपील करने के लिए, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से बना है, ये गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, इनके मैनिफेस्टो को देखो, उसमें ये कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा हम मुसलमानों को दे देंगे। क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर आप मुसलमानों को सेंध लगाने देंगे क्या? लेकिन ये लोग तो यही करना चाहते हैं। इन लोगों ने पहले भी किया थी शरारत, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, ये सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस के इंडी गठबंधन के सभी नेता कह रहे हैं, बिहार में लालू जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे, ऐसे ही राहुल गांधी का बयान भी आया था, ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि हम आरक्षण मुसलमानों को बांट देंगे, क्या आप इसकी स्वीकृति देंगे? बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता,